कब है अप्रैल माह 2023 का अंतिम प्रदोष व्रत? 17 या 18 अप्रैल शिव पूजा का शुभ मुहूर्त, आज जरूर करें ये एक काम। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैसाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखे जाने वाले प्रदोष व्रत की सही तिथि क्या है, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पंचक के समय और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। प्रत्येक माह के दोनों पक्षों कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन प्रदोष काल यानी कि शाम के समय शिव पूजा का विधान है। साल 2023 में अप्रैल माह का अंतिम प्रदोष व्रत 17 अप्रैल सोमवार के शुभ योग में आ रहा है, लेकिन पंचांग की माने तो इस दिन पंचक भी रहेंगे। आइए जानते हैं वैसा कृष्ण प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ समय, पंचक कब से कब तक है, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या है। बैसाख कृष्ण प्रदोष शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में बैसाख कृष्ण प्रदोष व्रत 17 अप्रैल सोमवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल 6:48 से रात्रि 9:01 तक। बैसाख कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 17 अप्रैल सायंकाल 3:46 पर। बैसाख कृष्ण त्रयोदशी समाप्त होगी 18 अप्रैल दोपहर 1:27 पर। इस दिन ब्रह्म और इंद्रयोग का संयोग होगा। पंचक का समय, पंचांग के अनुसार इस बार बैसाख कृष्ण सोम प्रदोष व्रत में पंचक का साया है। पंचक 15 अप्रैल 2023 को शाम 6:44 पर शुरू हो रहे हैं और इसकी समाप्ति 19 अप्रैल 2023 को रात 11:53 पर होगी। वैसे तो शास्त्रों में पंचकों को अशुभ माना गया है, इसमें कई कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन शिव पूजा में पंचक का कोई असर नहीं होता। सोम प्रदोष पूजा विधि, सोम प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन सबसे पहले सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, इसीलिए प्रदोष काल में भगवान शिव का गंगा जल मिले जल से अभिषेक कर उन्हें बेलपत्र, अक्षत, फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, पान, सुपारी, सभी पूजन सामग्री व नैवेद्य अर्पित करें और माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। भोग में महादेव को खीर का भोग अर्पित करें। अंत में सोम प्रदोष व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। सोम प्रदोष व्रत उपाय, सोम प्रदोष के दिन कच्चा दूध, पुष्प, मेवे, कपूर, रोली, बेलपत्र, शहद, धूप दीप और घी भगवान शिव को अर्पित करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आज के दिन प्रदोष काल में 27 गुलाब के लाल फूल, चंदन के इत्र के साथ पति पत्नी मिलकर भोलेनाथ को नमः शिवाय मंत्र का 27 बार जाप करते हुए अर्पण करें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस दिन घर पर रुद्राभिषेक कराने से मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से राहु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।